चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से आपसे बातचीत करनी है। मुझसे पहले अभी सर काशिफ की क्लास लगी हुई थी। कॉस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो वो भी पढ़ा कर गए होंगे, और आई थिंक प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में कुछ बातचीत करके गए होंगे। ऐसा नहीं था क्या? बता रहे नहीं बेटा, पहले तो सिलेबस की कॉपी ले लीजिए। नहीं बेटा, जो बेटा ऑनलाइन बैठे हैं, मैंने ग्रुप में आपके पास सिलेबस की कॉपी सेंड कर दी है। आपका बेटा सीएमए का सिलेबस एक लेंदी सिलेबस है, और इसे करवाने में टाइम भी काफ़ी लग जाता है। ना सिर्फ हमें इंडिविजुअल चैप्टर्स को पढ़ना है, बल्कि आखिर में आके बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनको मिलाकर भी हमें तैयारी करनी है, जिनको मिलाकर एग्जाम में सवाल बनाए जाते हैं FAR 1 की तरह। पढ़ाने में दो टीचर आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। मेजर पोर्शन कुछ मेरे पास है और कुछ चैप्टर सर काशिफ के पास है। हम दोनों मिलकर आपको बेटा इस सिलेबस की तैयारी करवाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे इंटरनल पर्पस की अकाउंटिंग भी कहा जाता है, इंटरनल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, और कहा यही जाता है ये ज़रा अकल वाला सब्जेक्ट है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर भी एक बाउंड्री के तहत होती है, क्योंकि उसके अंदर आप ज़्यादातर IFRS पढ़ते हो, और क्या बोलते हो भाई, IFRS में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम करके दिखा दो। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हर वो काम करना पड़ता है जो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट बोले, लिहाजा इसमें आप गौर करना। हर टॉपिक के अंदर टीचर का लेक्चर थोड़ा सा ही होगा, हर टीचर प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा फोकस करवाएगा। वजह क्या है, प्रैक्टिस में जो सिनेरियोज बने हुए वो कर करके आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को अप्लाई करना है। आईकेप ने आपके सिलेबस को 3 ब्रॉड एरिया में डिवाइड किया हुआ है, और एक नज़र आपका सिलेबस पे डाल दें। पहला एरिया जिसको ये कहते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, और कहते हैं 35 से 45 मार्क्स तक के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा कॉस्ट फ्लो, 20 से 30 मार्क्स तक के लिए पेपर में पूछा जाएगा। और आखिरी एरिया जिसे ये कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, इसे ये 30 से 40 मार्क्स तक के लिए पेपर में पूछेंगे। अब इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो 2022 से पहले हमारे कॉस्टिंग में हुआ करते थे, अब उन्होंने उसको हटा दिया, या तो सिलेबस से ही हटा दिया या फिर किसी और सब्जेक्ट में मर्ज कर दिया है। जैसे ओल्ड स्कीम में एक टॉपिक था, नाम था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब इसको MFA में ले गए।
ओल्ड स्कीम में एक और टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसे भी ये एमएफए में ले गए। ओल्ड स्कीम में एक और टॉपिक था जिसका नाम था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, अब इसको इन्होंने सीए से एक्सक्लूड कर दिया। ओल्ड स्कीम में एक और टॉपिक था, नाम था बजटिंग, हम इसको ये एमएफए में ले गए। बताना क्यों जरूरी है सर? टॉपिक हट गए लेकिन जब आप पास पेपर पूरे देखते हो तो उसको उनके सवाल मौजूद हैं। तो बच्चे अक्सर हमें मैसेज करते हैं पिक्चर खींच के, समाज जी देखें ये सवाल आया हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक का है। तो पास टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब अगर बेटा इनकी डिटेल में आ जाओ और एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली देखो तो आपके पास जो पहला एरिया आ रहा है उसमें 7 चैप्टर मौजूद है। ठीक है सर, पता किया जा रहा, मैं ऑन कर दो वहां से ऑफ है। सही करेगा, सही नहीं चाहिए। आ जाइए पहले एरिया में जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या है ये टॉपिक और इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, लेकिन 12 पहले जरा टीचर की एलोकेशन कर लें और इन्वेंटरी वैल्यूएशन के आगे नाम मेरा लिख लें। दूसरा टॉपिक आपके पास आ रहा है जिसका नाम है लेबर कॉस्टिंग, इसके आगे भी नाम आप मेरा लिख दीजिए। फिर आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसके आगे नाम आप सर काशिफ का लिख दें। फिर आ रहा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन सब के आगे नाम आप मेरा ही लिख दीजिए। आगे चलिए, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, इन सब के आगे नाम आप मेरे लिख दीजिए। और आप देख लो मैं आज भी रो नहीं रहा हूं। ठीक है सर, लास्ट एरिया जिसमें पहला आ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, रेलिवेंट कॉस्ट, सीवीपी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें जो पहले दो एरिया आ रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, इन दोनों के आगे नाम आप मेरा लिख दीजिए। लास्ट एरिया बचे रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, इन तीनों के आगे नाम आप सर काशिफ जिया का लिख लीजिए। बेटा क्या है ये चैप्टर, क्या इनकी एग्जाम इंपॉर्टेंस है, सब आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेना, मेरे जिम्मे दो काम है। नंबर वन, एक तो मैंने ना से अपना टॉपिक्स कंप्लीट करवाने, बल्कि इसमें वही मसला है FAR 1 की तरह, एंड में आके बहुत सारे चैप्टर मिला के भी सवाल बनाए जाते हैं। वो जो मिला के सवाल बनते हैं उनमें से ज्यादातर चैप्टर मेरे पास हैं, एक सर काशिफ के पास हैं। अब क्योंकि ज्यादातर मेरे पास हैं तो उनके मिला के सवाल भी आपको मैंने ही करवाने, यानी कॉस्टिंग शुरू भी मैंने करना है और एंड में आके चीजों को समेटना भी मैंने, सब अब भी मैंने ही करवाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप मेनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की अकाउंटिंग पढ़ोगे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ोगे, PRC से आप चैप्टर पढ़ते हुए आ रहा हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, आप भी आपने सुना किसी भी चीज को बनाने की कोशिश करो 3 किस्म के बेसिक खर्चे करने पड़ते हैं, मटेरियल वाला खर्चा, लेबर वाला खर्चा एंड ओवरहेड वाला खर्चा, ऐसे ही कुछ होता है। इसी बात को देखते हुए आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर शामिल किए गए जिससे आप ये सीखोगे मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है,
ओवरहेड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टडी टेक्स्ट में दो चैप्टर शामिल किए गए। एक चैप्टर फर्स्ट एरिया में आ रहा है, उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और दूसरा चैप्टर वो लास्ट एरिया में आ रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, जिसको हम लोग मिलाकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस बार जो पेपर आया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, दो सवाल उसमें आए। उससे पिछली दो अटेम्प्ट देखूं तो उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो सवाल हैं और उसी पेपर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सवाल भी है, तीन सवाल है। यानी एक ही टॉपिक से तीन तीन सवाल ये पेपर में उठा के डाल रहे हैं। जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ बातें तो पीआरसी वाली बीच में आ जाएगी कि भाई इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की हालत में भी होती है, वर्क इन प्रोसेस की हालत में भी होती है, फिनिश गुड की हालत में भी होती है। वैल्यू निकालने के लिए इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, उसकी एनआरवी निकालनी पड़ती है। एनआरवी क्यों गिर जाती है उसके रीजन समझने पड़ेंगे, फिर एनआरवी को निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफिकल्टी आपको आएगी शुरू में वो ये आएगी कि पीआरसी में जब हम एनआरवी निकालते थे वो हम निकालते थे ज्यादातर फिनिश गुड्स की, तैयार सामान खरीदा प्रॉफिट टक्के बेच दिया, तैयार सामान बचा हुआ है उसकी एनआरवी निकाल लो। यहाँ बात हो रही है ज्यादातर रॉ मटेरियल की, लेकर आते हैं रॉ मटेरियल, काम शुरू कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस, काम कंप्लीट हो जाता है फिनिश गुड बन जाता है। जैसे जैसे आप चीज को फर्दर प्रोसेस करते रहते हो एनआरवी अलग अलग आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक ही चीज की मुख्तलिफ एनआरवी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है? बात को मजाक में समझना, आप सब लोग पीआरसी क्वालिफाइड हो, पीआरसी की बेस पर भी आपको कोई ना कोई जॉब मार्केट में मिल जाएगी लेकिन कम पैसों की। कैफ क्वालिफाइड कर रहे हैं आप, लेकिन क्या बोलोगे, मेरी मार्केट वैल्यू बेहतर होनी चाहिए, मुझे अब जो जॉब मिले थोड़ी बेहतर पैसों की होनी, आपकी एनआरवी बढ़ गई। आप सीए क्वालिफाई कर रहे हैं, यकीन आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। बस ये भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही करता है, मुख्तलिफ मटीरियल बचे हुए, फिर दो तीन सिनेरियो दे देता है, सोच रहे हैं मटीरियल को ऐसे इस्तेमाल करें, अच्छा ऐसे नहीं तो उस काम में इस्तेमाल कर लें, और अगर ये भी नहीं तो जरा स्क्रैप में भेज दें। अगर मटेरियल को काम नंबर ए में इस्तेमाल करें एनआरवी कुछ और है, बी में इस्तेमाल करें एनआरवी कुछ और है, स्क्रैप कर दें एनआरवी कुछ और है, मुख्तलिफ एनआरवी निकाल निकाल के हमें काम करना पड़ता है। एनआरवी के सवाल पहले पेपर में नहीं आते थे, ये ट्रेंड इसने 2021 से पकड़ लिया है। 21 में आया, 22 में गायब हो गया, 23 में आया, 24 में भी आया। जब आप ये सारी बातें पढ़ोगे एनआरबी के बारे में और आगे बढ़ोगे, फिर आपको एंट्री से निमटना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की एंट्री समझनी पड़ेगी। एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता ही है परपेचुअल सिस्टम भी होता है पीरियोडिक सिस्टम भी होता है, दोनों में एंट्री अलग अलग तरीके से बनती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीरियोडिक सिस्टम फॉलो नहीं करती, क्यों सर? परपेचुअल कहाँ फॉलो करते हैं, इधर आपको याद होगा परपीचुअल में करते क्या थे? चलो परपीचुअल का दूसरा नाम क्या था, सबको लिखवाया था, फाइल सेव निकाल लूंगा अभी। परपीचुअल सिस्टम का दूसरा नाम लिखवाया था कंटिन्यूस सिस्टम, याद आ रहा है किसी को? हाँ तो बोलो, कंटिन्यूस सिस्टम हमें क्या सिखाता था, हर ट्रांजैक्शन के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाओ। पीरियोडिक में क्या करते थे, पीरियड वाइज महीने बाद हफ्ते बाद हिसाब किताब करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जल्दी जल्दी जानना चाहती हैं जो चीज़ें वो बनाकर बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जानना चाहती हैं तो उनके सिलेबस के हिसाब से हमारे सिलेबस हमें परपीचुअल सिस्टम में उनका सारा काम सीखना है। हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर हैं
जो एंट्रीज के ऊपर ही बेस करते हैं। उनमें एक चैप्टर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उसके एंट्रीज पूछता है, दो बार पूछ चुका है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसका सवाल तो आता ही एंट्री वाला है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, 2012 के बाद सवाल नहीं आया, लेकिन जो भी आया है वो भी एंट्री का ही आया था। जब इतना कुछ पढ़ लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, वैल्यूएशन इन्वेंट्री की आपको निकालनी आ जाएगी। अभी का समाजित, हम तो कॉस्टिंग करने आए थे, कॉस्टिंग पढ़ने आए थे, ये वैल्यूएशन हमें क्यों सिखवा रहा हूँ बेटा? बगैर वैल्यूएशन के कॉस्टिंग कैसे करोगे? तो वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? जो सामान बचा हुआ है उसकी वैल्यू निकाल लो। हो सकता है वो वैल्यू उसकी कॉस्ट हो सकता है वैल्यू उसकी एनआरवी हो। जब तक वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे, आप अपने पास बनने वाली इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट निकालना कैसे सीखोगे? फिर यही चैप्टर एडवांस होगा। और अब जो शुरू होगा, इसको उन्होंने उठाकर बुक में फेंका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से चैप्टर बनाया, लेकिन सिलेबस में उसको डाला बिल्कुल लास्ट एरिया में। उसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल के बारे में आपको नजर आ रहा है। ये पता नहीं एग्जामिनर को कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद है। इस बार भी इसके दो सवाल दिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन जो भी चीज है जबरदस्त चीज, दिमाग खोलता है, सोचना सिखाता है। एक सवाल ध्यान में आता है, मैं भी खुल के मैं सिलेबस से बात कर रहा हूँ, टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल ध्यान में आता है, सामाजिक, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आईकेएफ हमें ये क्यों पढ़वा रहा है? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। अभी एक बात पकड़ लेता हूँ, तीन वर्ड बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए याद कर लेना। कोई पूछे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते क्या है, तीन वर्ड जता देना, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्या तीन नाम है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अम्मी अब्बू का घर में मेन काम क्या है? मेन काम डिसीजन मेकिंग, घर के लिए फैसले करना। यानी अम्मी अब्बू अगर घर में सबसे बड़े हैं तो घर मेनली उनके फैसलों पे ही चलता है। ज्यादातर देखा ये गया है, उनके किए गए फैसले घर के लिए सही साबित होते हैं, कभी कभी गलत फैसले भी हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ है। मैनेजमेंट, मिसाल दे रहा हूं, सर तबानी टीएसए में बैठे हुए, सुबह से शाम तक बैठे हुए, वो अभी बोले भाई मैं सुबह से शाम तक बैठकर टीएसए की बेहतरी के लिए फैसले करता रहता हूँ, ना कि टीएसए में और इम्प्रूवमेंट आए, और इम्प्रूवमेंट आए, और यहाँ पे और ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आए, और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हें और अच्छी सर्विस मिल सके। मैं बेहतरी के लिए फैसले करता रहता हूँ। फैसले करते वक्त वो कोशिश करते होंगे मैं प्लानिंग करूं, प्लानिंग करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, और जब वो कोशिश उन्हें कहीं नजर आती होगी उसके लिए वो कोई फैसला कर लेते होंगे, डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रही मेरी बात? डिसीजन मेकिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम है, इसलिए आईकेएफ ने आपके पास लास्ट एरिया रखा है डिसीजन मेकिंग के नाम से। इन्वेंट्री के हवाले से भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वरना हम इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तब तो वो क्या डिसीजंस होते हैं? चलें सर रफली बात करते हैं, घर का सामान आप खरीद के लाते हो, एज्यूम कर लो, अम्मी ने बोला कुछ सामान ले आना, लिस्ट बना के दे दी, क्वांटिटी नहीं बताई, आप गए, दिल में जितना आया उठा उठा के ले आए, घर पे लेकर आए, अम्मी ने ऐसी मुंह बना के बोला ये चीज इतनी कम क्यों लाए हो, ये तो कल ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या बोला, ओ भाई ये चीज इतनी ज्यादा क्यों लिया है, ये तो इस्तेमाल किया बहुत कम कम करते हैं, इसे तो इस्तेमाल करने में 6 महीने लग जाएंगे। कुछ सामान आप कम लाए उस पर भी अम्मी को एतराज है, कुछ आप ज्यादा लाए उस पर भी अम्मी को एतराज है। हमने अम्मी को इस तरह बोला, अम्मी देखें महंगाई का दौर है, बात बातों को आप भी समझे, मैं मार्केट बार बार जाऊंगा चीजें लेने के लिए तो मेरा पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, अगर मैं चीजें भर भर के ले आऊंगा तो फिर उन चीजों को आप खुद कह रहे हो 6 महीने लगेंगे इस्तेमाल करने में, उन्हें संभालने में पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल
मान लो अम्मी अभी कहते हैं बेटा मार्केट में चिकन का रेट गिरा हुआ है, बहुत खतरनाक हद तक चिकन सस्ती हुई भी है, जाओ चिकन भर के ले आओ। आप गए चिकन भर के लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बार लगी, वही चिकन अम्मी ने पूरे डीप फ्रीजर को भर दिया। अब्बू ने बोला ये किसका फैसला था डीप फ्रीजर भर के चिकन मंगवाने का? अम्मी ने कहा मेरा। क्या हो गया? अब्बू ने कहा भाई बिजली कितनी महंगी हो गई है, इतनी सारी चिकन आपने डीप फ्रीजर में भर दी है, अब डीप फ्रीजर को इस चिकन को फ्रीज करने के लिए कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, और फ्रीज करने के बाद भी बार बार चलना पड़ेगा ताकि इसकी फ्रीजिंग मेंटेन रहे। और ये वो चिकन है जो डीप फ्रीजर भरी हुई है, हमें 6 महीने लग जाएंगे खाने के अंदर। बिजली का बिल कितना बढ़वा दिया आपने? अम्मी ने क्या बोला, पेट्रोल के पैसे तो बचवा दिए, अब एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार खरीदने जाओ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार लग रही है, ज्यादा खरीद के ले आओ होल्डिंग कॉस्ट संभालने वाले खर्चे ज्यादा लग रहे हैं, क्या ज्यादा बेहतर है? या मैं ऑर्डर करने वाले खर्चे बढ़वा लूं या मैं होल्ड करने वाले खर्चे कम करवा लूं? मजे की बात है ये दोनों कॉस्ट आपस में रेसिप्रोकल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने जाऊंगा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बचाने जाऊंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, करूं तो मैं क्या करूं? हमने इस बात का जवाब बहुत सोच समझ के मैथमेटिक्स से पूछा, तो मैथमेटिक्स ने बोला ठीक है यार मैं आपको एक मॉडल देता हूं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूं, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि आप जब भी परचेजिंग करने जाओ एक ऑर्डर में कितना सामान खरीद के लाओ। जब एक ऑर्डर में इतना सामान खरीद के लाओगे बेफिक्र रहो तुम्हारे साल भर के खर्चे कम से कम हो जाएंगे, मॉडल प्रूव्ड है। छोटी मोटी कंपनियों के तो बस की बात ही नहीं है इस मॉडल को अप्लाई करना, इसकी लिमिटेशन अजम्पशन बड़ी हाई फाई किस्म की है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो इस मॉडल को फॉलो करती है। और आपके दिमाग में भी क्या है, इंशाल्लाह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करूंगा, ऐसे ख्वाब आते हैं। अब अलग बात है मल्टीनेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मल्टीनेशनल कंपनियों का केएफसी नहीं खाऊंगा, लेकिन काम उनके साथ ही करूंगा। ठीक है, बड़ा मजाक की बात थी। आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाओगे और आपसे बोला जाएगा यार हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, हमारी मदद तो करो ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बचाने में, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका तो मैं मास्टर हूँ, पेपर में 2 सवाल अटेम्प्ट करके आया था इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, ईओक्यू के, मुझे पता है ये खर्चे कैसे बचाए जाते हैं। क्योंकि परचेजिंग हर घर में होती है, परचेजिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और हर कोई चाहता है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें जो परचेज से रिलेटेड होती है, लिहाजा आईकेप ने इस एरिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, हर अटेम्प्ट में इसका सवाल तकरीबन आ ही जाता है। जब ये आप पढ़ोगे 3 एरिया, एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और सेफ्टी स्टॉक, तो मैं इसको सम अप करता हूं, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसका नाम होगा इन्वेंट्री। हाँ वो अलग बात है, इन्वेंट्री का चैप्टर स्टडी टेक्स्ट में 2 नामों से दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से और एक दिया हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। वैल्यूएशन में ऊपर वाला एरिया दिया हुआ है, मैनेजमेंट में नीचे वाला एरिया दिया हुआ है। हम जो अगली क्लास से सिलेबस शुरू करेंगे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से करेंगे, वैल्यूएशन आपको पहले भी थोड़ी बहुत आती है, मैं डायरेक्ट आपको नई बातों से शुरू करूंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें 1 आध घंटा लगता है, करते करते मैं आपको इन्वेंटरी की मैनेजमेंट पे लेकर आ जाऊंगा। आ जाइए ऊपर के एरिया में दोबारा। फिर बेटा लेबर कॉस्टिंग मिल गया सबको, मेरा चैप्टर है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जब तक होता हुआ आ रहा है इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो कंपल्सरी। 2022 से लेकर अब तक 6 अटेम्प्ट हो चुकी है नई स्कीम की, 6 की 6 अटेम्प्ट में इसका सवाल आया, इस बार भी आया। किसी भी चीज को बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल नहीं चाहिए होता, लेबर से भी काम करवाना पड़ता है। हम जब आप लेबर से काम करवाते हैं तो लेबर काम करने के पैसे लेती है, लेबर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बाद बच्चे ये समझते हैं यार इस चैप्टर में टीचर क्या पढ़ा देगा, लेबर काम करती है, काम करने के महीने की सैलरी लेती होगी, मैं जो भी सैलरी दे रहा हूँ वो लेबर की कॉस्ट है, ऐसा नहीं।
ज्यादातर लेबर सैलरी जरूर लेती है, लेकिन सैलरी के कुछ मेथड होते हैं। हम कभी कभी लेबर को पेमेंट करते हैं आवर्ली मेथड पे, भाई घंटों के हिसाब से पैसे ले लो। कभी कभी पेमेंट करते हैं यूनिट मेथड पे। सिंपल सी बात करता हूँ समझाने के लिए। मैं सर माजिर टीएसए में पढ़ाता हूँ, ये हम कहते हैं सर माजिर जितने घंटे पढ़ाओ उतने घंटों के पैसे ले लो। चलो बात समझ में आती है। सर माजिर जितने बच्चों को पढ़ाओ इतने बच्चों के हिसाब से पैसे ले लो। चलो बात ये भी समझ में आती है। ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम स्टूडेंट होंगे कम पैसे मिलेंगे। मतलब मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं लेबर को पेमेंट करने के। फिर कभी कभी लेबर कहती है हम अच्छा काम करेंगे हमें बोनस दो। एक बोनस वो होता है, बोनस फॉर द सेक ऑफ बोनस है, महंगाई बहुत है बोनस दे दे, ये बोनस तो मैनेजमेंट को बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैनेजमेंट क्या बोलती है, भाईजान बोनस उस वक्त मिलेगा जब एफिशिएंसी दिखाओ, एफिशिएंसी बेस्ड बोनस मिलेगा। सिंपल एग्जांपल, आप अभी बोलो या अल्लाह मेरा भी मेरिट आ जाए, अच्छी दुआ है ना। आईकेएम क्या बोलेगा, मेरिट वाला काम करके दिखा, मेरिट एक बोनस है, चाहिए हाँ चाहिए, तो मेरिट के मुताबिक काम भी तो करके दिखाओ। बोनस चाहिए हाँ चाहिए, बोनस वाली परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल दिन भर लेबर काम करती है, सब लेबर दिन भर में 10-10 चीजें बना रही है, तुम भी 10 बनाते हो, सब 10 बना रहे तुम भी 10 बना रहे हो, कहाँ है तुम्हारी एफिशिएंसी, किस बात का बोनस मांग रहा हो भाई। अब मैं बात बोलता हूँ, सर दिन भर लेबर काम करती है सब लोग 10 चीजें बनाते हैं और मुझे देखो मैं हमेशा 10 से ज्यादा ही बनाता हूँ, कभी 11 कभी 12। मैंने कहा कल से मैं भी नहीं बनाऊंगा। आपने कहा क्यों, मैंने कहा फायदा क्या, वो 10 बनाते हैं उनको भी वही पैसे मिल रहे हैं, मैं 12 बनाता हूँ मुझे भी पैसे मिल रहे हैं। उसने क्या बोला, नहीं जो 10 से ज्यादा बनाएगा वो एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बोनस देंगे मोटिवेट करने के लिए। किस किस तरीके से लेबर को बोनस दे सकते हो, वो बोनस के प्लान आपने सीखने। दो किस्म के प्लान सिलेबस में, इंडिविजुअल प्लान एंड ग्रुप प्लान। इंडिविजुअल क्या होता है, समझाने के लिए, मैन ऑफ द मैच, जो मैच में सबसे अच्छा खेलेगा वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले ले, ये इंडिविजुअल प्लान। ग्रुप प्लान क्या होता है, अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत गई टीम को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसमें इस बात के मायने नहीं है कि टीम का कौन मेंबर कम रन कर रहा है कौन ज्यादा रन कर रहा है। हाँ टीम वर्ल्ड कप जीत गई सबको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ये होता है ग्रुप बोनस प्लान। पेपर में ज्यादा ग्रुप बोनस के सवाल आते हैं। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि 2014 में आईकेएफ ने लेबर के अंदर एक जबरदस्त चीज ये फाइनल से निकाल के शामिल करें, नाम रखा लर्निंग कर्व थ्योरी। ये एक बड़ा लॉजिकल मैथमेटिकल तरीका है, लॉग के जरिए हम लेबर की कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। आप बोल लो कैसे समझे, अभी आपने बोला था मैथमेटिकल मॉडल, हम आप बीच में लॉग को लेकर आ रहे हैं। बेटा ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये जगह जगह मैथमेटिक्स की मोहताज है। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पहले अटेम्प्ट में पास करनी है तो उसके लिए आपको 40% मैथमेटिक्स चाहिए, 40% कॉमन सेंस चाहिए और 20% आपको सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए। यकीन करें आप हर सवाल में आप अगर गलती करोगे ना, या तो आप कोई मैथमेटिकल गलती करोगे, कोई रेशियो गलत बनाओगे, कोई प्रॉबिबिलिटी गलत अप्लाई करवा दोगे, सब सिलेबस में है हमारे, ठीक है, या आप सवाल को समझने में कॉमन सेंस की गलती कर दोगे, लेकिन टॉपिक की नॉलेज की गलती आप नहीं करोगे, ये थोड़ी सी लिमिटेड है। तो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अप्लाई होगी हर सवाल के अंदर। लर्निंग कर्व थ्योरी इस कॉन्सेप्ट का नाम है, एक जैसा काम अगर लेबर से बार बार करवाओ और उस काम में सीखने की गुंजाइश हो, लर्निंग हो, तो लेबर का टाइम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर से ये पेन पहली बार बनवा रहे, लगता है 10 घंटे में बनेगा, दोबारा बनवाएंगे क्योंकि लेबर इस काम को एक बार कर चुकी है, लगता है अब 9.5 घंटे में बनेगा, दोबारा बनवाएंगे क्योंकि लेबर इस काम को 2 बार कर चुकी है, लगता है टाइम और कम लगेगा, और एक वक्त आएगा टाइम रुक जाएगा। अब बताओ टाइम बचने से लेबर कॉस्ट बचेगी नहीं बचेगी, आवाज नहीं आ रही। अगर लेबर को पैसे टाइम के हिसाब से दे रहा हो तो लेबर की कॉस्ट तो बचनी चाहिए।
लर्निंग कर्व थ्योरी हमें यह बताती है लेबर की कितनी कॉस्ट बचाई जा सकती है अगर एक जैसा काम लेबर से बार बार करवाओ। एक्चुअल कॉस्ट कितनी बचेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उस कॉस्ट का एक अंदाजा लगाया जाता है, उस अंदाजे को हम कहते हैं लर्निंग कर्व थ्योरी। ये पेपर में 2014 में शामिल हुआ है, 14 से लेकर 24 तक 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में लर्निंग कर्व थ्योरी का 5 बार सवाल आ चुका है। ठीक है सर, आगे आ जाइए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सर काशिप का चैप्टर है। ओवरहेड का वो बताइए क्या होता है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, कैसे मालूम करोगे कैसे लग रहा है? आपके सिलेबस में ओवरहेड के 2 चैप्टर हैं, एक पहले हमेशा से था, एक इन्होंने अभी शामिल करा है 2022 में, एक सर काशिफ ने पढ़ाना है, एक मैंने पढ़ाना है। जो ट्रेडिशनल चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और इसकी जो नई एडवांसमेंट दुनिया में सामने आई है वो है इसी के अंदर लास्ट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये उन्होंने 2022 से सिलेबस में शामिल करा, इतना ही आसान सा चैप्टर है, बस फर्क क्या है वो समझा देता हूँ। सर काशिफ ये समझाएंगे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में मालूम करना चाहते हो ओवरहेड कितने लगे तो ये काम कैसे किया जाता है, जब ये सीख लोगे मैं उसी काम को और एडवांस कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ये सिखाऊंगा। टोयोटा कंपनी ने एक ही गाड़ियों का प्लांट लगाया है, एक ही फैक्ट्री है, उन्हीं मशीनों से फॉर्चूनर गाड़ी बन के निकल रही है, उन्हीं मशीनों से टोयोटा करोला बन के निकल रही है, उन्हीं मशीनों से यारिस गाड़ी बन बन के निकल रही है। यानी मशीन एक 3 अलग-अलग प्रोडक्ट बना बना कर दे रही है। जब एक ही मशीन से मल्टीपल प्रोडक्ट बना बना के निकालोगे कैसे मालूम करोगे हर प्रोडक्ट में ओवरहेड कितने लग गए? तो भी ट्रेडिशनल तरीका वहां पे अप्लाई नहीं होता, वहां पे एक नया तरीका आजकल अप्लाई हो रहा है, उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कहा यह जाता है जो प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटीज कंज्यूम करती हैं उन्हें ज्यादा ओवरहेड एलोकेट करो, और जो प्रोडक्ट कम एक्टिविटीज कंज्यूम करती हैं उन्हें कम ओवरहेड एलोकेट करो। 2022 से लेके 24 तक अब तक 6 अटेम्प्ट हो गई है, इसका एक बार सवाल आया 10 मार्क्स का, वो भी अभी आया रिसेंटली मार्च 24 के अंदर। इससे पहले इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कोई सवाल आपके पास नहीं आ रहा था। इसके बाद बेटा जब अभी बातें पढ़ लोगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ लिया, लेबर के बारे में पढ़ लिया, ओवरहेड के बारे में पढ़ लिया, इसे पढ़ने में 1-1.5 महीना आराम से लग जाता है, क्योंकि तो इन सबकी एग्जाम इंपॉर्टेंस है, सिर्फ बताना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस भी करवानी है आपको। फिर इसके बाद आपके शुरू होंगे एडवांस चैप्टर, कॉस्टिंग मेथड। पहला मेथड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सर ये क्या होता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है, उन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है जो के ऑर्डर पे काम करते हैं। कस्टमर आते हैं, अपने अपने ऑर्डर देके जाते हैं, जैसे ऑर्डर वो देके जाते हैं उसके मुताबिक चीज बनाकर उनको दे देते हैं। बेस्ट एग्जांपल टेलर भाई, जो नॉर्मल टेलर होता है मशीनें लगा के बैठा हुआ है, लेबर रख के बैठा हुआ है, लेकिन क्या वो मेरे और आपके ड्रेस पहले से तैयार करके रखता है? तो प्रैक्टिकली क्या होता है, कस्टमर अपनी पसंद का कपड़ा लेके जाता है, अपना साइज अपनी पसंद का डिजाइन बताता है, उसके मुताबिक वो टेलर ड्रेस तैयार करके देता है। यानी टेलर की नजर से देखो तो वो क्या बोलेगा, कस्टमर मुझे ऑर्डर देके जाते हैं और जो ऑर्डर देके जाते हैं उस ऑर्डर को मैं कंप्लीट करता हूँ। क्या वो जानना नहीं चाहता बनने वाला एक ऑर्डर, बनने वाला एक ड्रेस कितने का है? हर ड्रेस पे कॉस्ट एक जैसी नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकली समझना। कोई ड्रेस सिंपल सा था, 4 घंटे में बन गया, कोई ड्रेस थोड़ा फैंसी था, उसमें फैंसी बटन भी लगे हुए, 2 दिन में बना, कॉस्ट कुछ और लगी हुई है। कोई ड्रेस ऐसा था जिसमें टेलर ने बाहर से कुछ और एम्ब्रॉयडरी का काम भी करवाया, उसने 4 दिन में तैयार करा, तो उसमें भी कॉस्ट सेम लगी हुई है? नो। क्या वो जानना नहीं चाहता हर ऑर्डर पे मेरी कॉस्ट कितनी लगी हुई, ये ऑर्डर वाइज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, एक एक ऑर्डर की कॉस्ट? इसके लिए सिलेबस में है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसका सवाल हर अटेम्प्ट में नहीं आता,
मेरा एक्सपीरियंस बताता है 4 से 5 अटेम्प्ट में एक बार आता है और 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, समझ गए भाई? अगर 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, 4 से 5 अटेम्प्ट में एक बार आता है, मतलब क्या हुआ? हो सकता है आपके टाइम पे आ जाए। फिर एक और चैप्टर आ रहा है सर्विस कॉस्टिंग, जबरदस्त चैप्टर, सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट निकालना सीख। जबरदस्त क्यों बोल रहा हूँ? बुक में खाली 2 पेज का चैप्टर दिया हुआ, स्टडी टेक्स्ट में एक भी सवाल नहीं, पेपर में आज तक कभी आया भी नहीं है। अभी छोड़ नहीं, गया छोड़ भी नहीं सकते बेटा, क्या पता कुछ भूले पड़ के आ जाए। ठीक है, अपने एंड्रॉइड से प्रैक्टिस करवा देंगे। तो सीखेंगे क्या इसमें? सीखेंगे जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट कैसे निकालोगे। सिंपल एग्जांपल, टीएसए ट्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या ये जानना नहीं चाहते? एक बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ाओ कितने पैसे लग जाते हैं? बात बदलते हैं, सर कोई एयरलाइन कंपनी है, लोगों को एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या वो जानना नहीं चाहते एक पैसेंजर हमारे जहाज में बैठकर कराची से दुबई जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? सर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो ओपीडी में पेशेंट को सर्विसेज दे रहा है, या हॉस्पिटल वाला जानना नहीं चाहता ये जो आप हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? और छोटी एग्जांपल में आ जाओ यार, रोड पे बसें चल रही हैं, ठीक है, क्या वो जानना नहीं चाहते पैसेंजर बसों में बैठकर सफर कर रहे हैं इनकी कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? वो आपको ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हैं भाई। चलो यार आप, और छोड़ो उबर करी वगैरह, यंगो वगैरह आप टैक्सी बुक करते हो, वो आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, क्या वो जानना नहीं चाहता पैसेंजर मेरी गाड़ी में बैठकर 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? जब तक उसको कॉस्ट पता नहीं होगी वो आपसे पैसे कैसे चार्ज करे? तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कैसे निकलती है वो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर बेटा लास्ट आ रहा है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सर ये क्या होता है? सर एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल ये हमारी कॉस्टिंग के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो अलग अलग नजरियात हैं, सोच है, दोनों अच्छी हैं, और दोनों के दरमियान जो झगड़ा है वो फिक्स कॉस्ट का है। किसका झगड़ा है? फिक्स कॉस्ट का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कहता है मैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल करूंगा, और करना भी चाहिए। मार्जिनल वाला कहता है मैं फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में शामिल नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट पर है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए का रेंट पर मंथ देना ही देना है। एब्जॉर्प्शन वाला कहता है फैक्ट्री में ये पेन बनता है, जब मालूम करूंगा ये पेन कितने का बनता है मैं फैक्ट्री का रेंट भी शामिल करूंगा। मार्जिनल वाला क्या बोलता है? ओ भाई जान, ये वाला पेन बने या ना बने रेंट तो 1 लाख रुपए का देना ही देना है, यानी ये पेन बने जब भी 1 लाख रुपए का रेंट देना है, ये पेन ना बने जब भी 1 लाख रुपए का रेंट देना है, तो ऐसा कोई रेंट नहीं है जो इस पेन को बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। वो बोलता है मैं तो फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करूंगा। दोनों अच्छे हैं नागर भाई, इससे फर्क क्या पड़ेगा? पहला फर्क प्रॉफिट को पड़ जाएगा। अब FER1 बीच में ला रहा हूं, जो फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री में शामिल करेगा, फिक्स कॉस्ट को, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आएगी, हायर द क्लोजिंग स्टॉक हायर विल बी प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। जो इन्वेंट्री में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं करेगा इन्वेंट्री की वैल्यू कम आएगी, लोअर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर विल बी प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक बनाई गई है मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादातर काम मार्जिनल कॉस्ट की बुनियाद पे किए जाते हैं। इस बार जो पेपर आया है, सवाल ऐसे थे 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, सबसे बड़ी वेटेज का जो सवाल आया है 17 मार्क्स का, वो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का है। इसमें पहले प्रॉफिट दोनों अजम्पशन से कैलकुलेट करना, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी थी, और फिर बाद में उन प्रॉफिट को आपस में रिकनसाइल भी करना था। चले बेटा ये सारे चैप्टर आप पढ़ें,
तो आपकी कितने मार्क्स की तैयारी हो रही है? 35 से लेकर 45 मार्क्स तक। आगे आ जाइए, सेकंड चैप्टर कॉस फ्लो के नाम से, कॉस फ्लो इन प्रोडक्शन, ये एंट्रीज का चैप्टर है। इसका आखिरी सवाल आया था 2012 में सफायल लिमिटेड के नाम से, लेकिन जो सवाल आया था ना वो इन्होंने कॉस्टिंग के मॉडल पेपर में शामिल किया हुआ है। सफायल चैप्टर में क्या सिखाएंगे आप? इस चैप्टर में मैं एंट्रीज को मजीद ब्रेक कर दूंगा। वो कैसे? एज्यूम करो हमारी कंपनी का हेड ऑफिस कराची में, प्यारा फैसल में, लेकिन हमारी जो तो फैक्ट्री है वो लगी हुई है फैसलाबाद में। ओके, फैसलाबाद में फैक्ट्री लगी हुई है, कराची में हेड ऑफिस है। फैसलाबाद में 24 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, वहां भी ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ भी ट्रांजेक्शन हो रही है। हमने क्या बोला भाई, फैक्ट्री का अकाउंटेंट अलग रखो, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट अलग रखो। अकाउंटेंट वहां भी रखा हुआ है, अकाउंटेंट यहाँ भी रखा हुआ है। हमने कहा भाई तू अपना हिसाब किताब रख, इसको बोला तू अपना हिसाब किताब रख। ट्रांजेक्शन यहाँ भी हो रही है, ट्रांजेक्शन वहां भी हो रही है, वो अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जो करता कोई एक है, फंस जाता है दूसरा भी। सिंपल एग्जाम्पल, फैक्ट्री वालों ने बोला मटेरियल खरीद रहे, मैंने कहा खरीद लो, उन्होंने कहा पैसे आप दे देना। और बात समझ में भी आती है क्योंकि अमूमन पेमेंट कहाँ से होती है? हेड ऑफिस से। मटेरियल वो खरीद रहा है, एंट्री बनाएगा ना, पैसे मुझसे दिलवा रहा है, एंट्री मैं भी बनाऊंगा। वो कह रहे सर महीना हो गया हमारी लेबर के पैसे दे दें। भाई काम तू करवा रहा है, पैसे तू मुझसे मांग रहा है, काम तू करवा रहा है उसकी भी एंट्री बनेगी, पेमेंट है मैं कर रहा हूँ उसकी भी एंट्री बनेगी। एक ट्रांजेक्शन है, एंट्री दो जगह बन रही है। हम इसके लिए दो अलग अलग बुक्स बनानी पड़ती हैं। जो फैक्ट्री की बुक्स होती हैं स्पेशल बनेगी, उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री लेजर, और जो हेड ऑफिस की बुक्स होती हैं वो स्पेशल बनेगी, उन्हें हम कहते हैं जनरल लेजर। अब किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन दो अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, वो बुक्स आपस में टैली कैसे होंगी, ये आपको इस चैप्टर से बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। फिर आ जाइए प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, इन दोनों के आगे ब्रैकेट बनाओ और आगे लिख दो कंपलसरी। इसके बगैर मैंने पेपर बनते हुए देखा ही नहीं है 2014 से, 10 साल हो गए, हर अटेम्प्ट में इसका सवाल आता है। इस बार भी पेपर का लास्ट सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का था और बड़ा मुनासिब था, सब कर कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग ये चैप्टर जैसे शुरू होगा आप खुद देखना, आपको लगेगा क्लास में कोई एनर्जी सी आ गई, आपको लगेगा कॉस्टिंग आपकी समझ में आना शुरू हो गई। तो क्या है इस चैप्टर में? है तो आसान सा लेकिन है बड़ा लॉजिकल। बुक में सबसे बड़ा चैप्टर यही दिया हुआ है, 118 पेज का, 45 से ज्यादा एग्जाम्पल है, और बच्चे बताएंगे आपको सर के सर माजी तकरीबन सारे एग्जाम्पल क्लास में ही करवाते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हमारे ये दो चैप्टर खाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग टेक्निक है, उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक जैसी चीज बार बार बनाई जाए, एक जैसा प्रोसेस बार बार हो रहा है और एक जैसे प्रोसेस से चीजों को बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल लेते हैं, रिफाइंड करते हैं, एक खास प्रोसेस से पेट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या वो जानना नहीं चाहते हम एक जैसा प्रोसेस सुबह से शाम तक करते हैं, बनने वाला पेट्रोल, हासिल होने वाला पेट्रोल कितने का है? पेप्सी कंपनी एक खास फ्लेवर के जरिए कोल्ड ड्रिंक बना बना के बेच रही है। उनका एक खास प्रोसेस है, उसके जरिए एक जैसी कोल्ड ड्रिंक बार बार बन रही है और बिक रही है, वो जानना नहीं चाहते कोल्ड ड्रिंक कितने की बन रही है। चैप्टर को एडवांस कर लो, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को रिफाइंड करा, उसी रिफाइंड ऑयल में से पेट्रोल निकल के बाहर आया, डीजल निकाला जा रहा है, कैरोसिन ऑयल भी उसी में से निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम जेली भी उसी में से निकाला जा रहा है। क्लास में कुछ ना कुछ तो इंटर साइंस वाले बैठे हुए होंगे, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पेट्रोल का रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। जब ऑयल को रिफाइंड किया जाता है मोर देन 37 प्रोडक्ट बन बन के बाहर निकलती है। आपने कहा सर माजिद बन के निकलती है तो निकलने दे,
क्या हो गया, आप समझो क्या हो गया। ये देखो सिर्फ समझाने के लिए, ये है प्रोसेस। हमने इसमें डाला ऑयल, इसी ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल निकल के आ रहा है, रिफाइन करा इसी में से डीजल निकल के आ रहा है, इसी में से कैरोसिन ऑयल बन के आ रहा है। तीन पे एग्जाम्पल रख लो, और इस पूरे रिफाइन के प्रोसेस में 5 लाख रुपए लग गए, 5 लाख की कॉस्ट लग गई। अब प्रॉब्लम को समझना, 5 लाख रुपए लगाए एक प्रोसेस में, अच्छा होता सिर्फ पेट्रोल बनता, पूरे 5 लाख किसको दे देता, पेट्रोल 5 लाख का बना। अच्छा होता सिर्फ डीजल बनता, पूरे 5 लाख किसको दे देता, डीजल को एलोकेट कर देता। अब उसी 5 लाख में पेट्रोल भी बन रहा है, डीजल भी बन रहा है, कैरोसिन ऑयल भी बन रहा है। मैनेजमेंट ने पूछा पेट्रोल कितने का बना, तो पता पहले मैं मजाक में क्या बोलूंगा, कसम ले लो मैं पेट्रोल को अलग से बना रहा हूँ। मैंने क्या मतलब, मैंने कहा मैं तो एक प्रोसेस कर रहा हूँ, उसी प्रोसेस में पेट्रोल बन के निकल रहा है, उसी प्रोसेस में डीजल बन के निकल रहा है, उसी प्रोसेस में कैरोसिन ऑयल बन के निकल रहा है। मैनेजमेंट ने बोला कल से डीजल नहीं चाहिए, मैंने कहा कल से पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। कह रहे क्यों, अगर आप समझ नहीं रहे सर मैं डीजल नहीं बना रहा। ऐसे भी आप बात नहीं समझ रहे क्योंकि आप लोग भी प्रोडक्शन के लाइन में नहीं हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, रफली समझना। सर माजिद ऐसा पढ़ाना सब पास हो जाए, सर पढ़ाता तो मैं वही वाला हूँ जिसको सुन के पास हो जाते हैं, लेकिन उसी लेक्चर को सुन के कोई पास हो जाता है, उसी लेक्चर को सुन के कोई फेल हो जाता है। फेल होने वाले को हम कम नहीं पढ़ाते और पास होने वाले को ज्यादा नहीं पढ़ाते, हर किसी को एक ही प्रोसेस से गुजारते हैं, हाँ या ना। लेकिन क्या है, प्रोसेस का आउटपुट अलग अलग है। अभी तो यही कह रहे हैं, एक ही प्रोसेस से ऑयल को गुजारा, आसान अल्फाज में कुछ ऑयल अच्छा रिफाइंड हो गया, मान लो वो पेट्रोल कहलाता है, कुछ ऑयल इतना अच्छा रिफाइंड नहीं हुआ, मान लो वो मिट्टी का तेल कहलाता है। अब कैसे मालूम करोगे 5 लाख में पेट्रोल कितने का बना, डीजल कितने का बना। अब इसके लिए कोई परफेक्ट तरीका दुनिया में मौजूद नहीं है, अंदाजे लगाने पड़ेंगे। अंदाजे लगाने के तीन तरीके आपके सिलेबस में डाल दिए और चैप्टर का नाम रख दिया ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अगला चैप्टर मेरा टारगेट कॉस्टिंग, इसका इस बार भी सवाल आया है 10 मार्क्स का, जबरदस्त चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ के मजा आ जाएगा। है बहुत छोटा सा, इसका आज तक सबसे बड़ा सवाल 17 मार्क्स का आया था, सबसे छोटा सवाल 7 मार्क्स का आया। तो सिखाता क्या है ये, अभी ये सिखाता है जब किसी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहो कॉस्ट को टारगेट कैसे किया जाता है। रफली बात समझ रहा हूँ, आप दोस्त लोग अपने तौर पे कोई पिकनिक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 समझदार दोस्तों को आगे कर दिया, क्या बोला भाईजान आप लोग मिलके सारा अरेंजमेंट कर लो, पैसे वैसे खर्च कर लो, जो खर्चा हो बता देना हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। किसी ने ऐसे ही बोला सर जी 1 मिनट, आपके हिसाब से पिकनिक कितने तक में हो जाएगी। आपने कहा यादगार पिकनिक करवाएंगे 1 लाख रुपए में। आपने कहा जाने वाले कितने, आपने कहा 20 लोग। आपने कहा 20 दोस्त जा रहे हैं 1 लाख रुपए डिवाइड कर लो, पर हेड क्या आ गया 5 हजार। किसी दोस्त ने बोला बहुत ज्यादा है मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी ने बोला अरे क्या आप करो 20 जाने वाले इजीली कितने पैसे निकाल सकते हो। आपने कहा 2-2 हजार। आपने कहा 20 जाने वाले 2-2 हजार 40 हजार। आपने समझदार दोस्तों को बोला चल भाई शुरू जा, दिमाग लगा, यादगार पिकनिक करवा, अच्छी पिकनिक करवा, लेकिन 40 हजार में करवा। समझ मारी मेरी बात, अब कॉस्ट की कटिंग शुरू होगी। वो क्या बोलेगा ठीक है हमारा क्या है, पहले हम सोच रहे थे एसी वाली बस कर लें, अब नॉर्मल बस कर लेंगे, पहले हम सोच रहे थे नाश्ता भी साथ में कर लें, अब हम बोलेंगे नाश्ता घर से करके आना, पहले हम सोच रहे थे शाम की चाय साथ में पीने वापसी पर, अब चाय अपने अपने घर में पीना, पहले हम सोच रहे थे दोपहर के खाने में 3-4 चीजें हों, अब सिंपल बिरयानी कर लेंगे, पहले हम सोच रहे थे बेहतरीन वाले फार्म हाउस पे जाए, अब एक नॉर्मल फार्म हाउस पे जाएंगे, भाई कॉस्ट ऐसी कट होगी ना। किसी ने बोला अबे पिकनिक ही बेकार है जाना ही नहीं है, ठीक है अब आप क्या बोलोगे, या तो कॉस्ट को टारगेट करवा लो या चीज को यादगार करवा लो। यही प्रॉब्लम कंपनीज के साथ है, कंपनी जब नई प्रोडक्ट को डिजाइन करके मार्केट में लेकर आ रही होती है, पर उनकी दो ख्वाहिश होती है, नंबर 1
हमारी नई प्रोडक्ट हमारी पिछली प्रोडक्ट से बेहतर हो और कॉम्पिटिटर से भी बेहतर हो। सिंपल एग्जाम्पल, अभी मार्केट में iPhone 16 आ गया है, ऐसे कुछ है ना भाई, मान लो 60-80 लाख रुपए का, ऐसे में रफली बोल दिया। हम सैमसंग वाले, मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया, क्या बोला भाई, iPhone 16 मार्केट में आ गया, लोग काफी खुश हैं उससे, हमारा भी नया मॉडल अच्छी क्वालिटी वाला मार्केट में आने वाला है, कोशिश करो 16 का कॉम्पिटिटिव हो। यार मैं तो कहता हूँ कोशिश करो, इससे भी अच्छा बना डालो, मार्केट कैप्चर कर लो आईफोन की सारी। हमने कहा सर बन जाएगा, उसने लगाया है 100 मीटर का ब्लूटूथ, हम लगा देंगे 500 मीटर का ब्लूटूथ। उसने लगाया है 40 मेगापिक्सल का कैमरा, हम लगा देंगे 80 मेगापिक्सल का कैमरा। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फीचर वो फीचर, उसमें AI बहुत कम है, हम AI बहुत ज्यादा डाल देंगे। लेकिन ये बताओ बनेगा कितने का? आपने कहा सर ऐसा बनाएंगे मोबाइल लोग आईफोन को भूल जाएंगे। बन जाएगा 15-20 लाख में, बेचेगा कितने के? सर बेच देना 25 लाख में, लेगा कौन? अगर ऐसा होता ना, मैं अकेला मोबाइल बनाने वाला होता, अकेला बेचने वाला होता, फिर तो मैं किसी प्राइस पर भी बेचूं, लोग बढ़ के भी लेंगे, चॉइस ही नहीं है उनके पास कि मैं क्या बोलूंगा। जब एक अच्छा आईफोन उनको 8 लाख का मिल रहा है, मेरा 25 लाख का बेहतर मोबाइल कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। आपने क्या बोला सर, आईफोन से बेहतर चाहिए, ऐसा चाहिए 8 लाख में बेच सकूं। एक काम करो, लाख रुपए मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, तो मैं एक टारगेट देता हूं, आईफोन से अच्छा मोबाइल 7 लाख रुपए में बनाकर दिखाओ। मैंने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक टारगेट दे दिया कि अच्छा वाला मोबाइल, इससे अच्छी प्रोडक्ट हो, लेकिन कॉस्ट को टारगेट करके चलो कितना, 7 लाख। अब हमें सोचना पड़ेगा कैसे दिमाग लगाएं कि टारगेट कॉस्ट को अचीव कर सके, नई प्रोडक्ट में क्या फीचर हटा दें, क्या फीचर एड ऑन करें। ऐसा भी ना हो किसी ने बोला यार कैमरा ही हटा दो बेच लो मोबाइल, किसी ने कहा ब्लूटूथ हटा दो बेच लो मोबाइल। समझ में आ रही है मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि जब नई प्रोडक्ट बनती है कॉस्ट को टारगेट करके चलते हैं। हम भी आपको बहुत सी बातें पता नहीं है, जब ये टारगेट कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, इसके बुक में पता क्या लिखा हुआ है, बुक में एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है किसी न्यूज़पेपर का, उसमें लिखा हुआ है टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच 1970s में जापानीज ने इंट्रोड्यूस करी और कई सालों तक इस टेक्निक को दुनिया से छुपा के रखा कि जापानीज प्रोडक्ट सस्ती और अच्छी क्वालिटी की क्यों होती है। और जब उन्होंने अपनी इस टेक्निक को दुनिया के आगे रिवील्ड करा, आज यूरोपियन कंपनीज भी टारगेट कॉस्टिंग की अप्रोच को फॉलो करके चलती। देखो बाद में वही कर रहा हूं, अभी बोल दो सर होने दो पिकनिक, जो होगा देखा जाएगा, बदल दो यार टारगेट दे दो हमारे को, उसमें जो हो सकेगा अच्छे से अच्छी पिकनिक करवाने की कोशिश करेंगे, बस इसको कहते हैं टारगेट कॉस्ट। फिर बेटा इसमें लास्ट चैप्टर आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। इस अटेम्प्ट को हटा दूं तो मैं बच्चों को लिखवाया करता था कंपलसरी, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल पहली बार 20 साल में नहीं आया, हर दफा इसका सवाल आता था। स्टडी टेक्स्ट में 2 चैप्टर दिए मैं, एक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक का नाम दिया हुआ है वेरियंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक को अप्लाई करो, एक्टिविटीज कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, और एक्टिविटी जैसे ही कंट्रोल में आएगी कॉस्ट तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। बात को रफली समझना, आप लोग पेपर देने बैठते हो, पेपर के ऊपर लिखा होता है टाइम अलाउड, रीडिंग टाइम 15 मिनट, पेपर टाइम 3 आवर्स होता है, मैं इसका नाम बदल देता हूं, ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम, हर बच्चे को 3.5 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, 3.5 घंटे की परफॉर्मेंस नापी जाएगी, 3.5 घंटे में कौन पेपर अच्छा करके गया, कौन बुरा करके गया। अगर ऐसा ना हो, पेपर के ऊपर ना लिखा हुआ हो टाइम अलाउड, पता क्या होगा? आप देखो पेपर मिला रीडिंग के लिए, कुछ नहीं लिखा हुआ, बेल बज गई, बेल क्यों बज गई? हमने कहा रीडिंग टाइम खत्म, हमने कहा लिखा हुआ देखो,
सवा 3 घंटे हो गए, कॉपियां छीन रहे, मैं क्यों छीन रहा हूं कॉपी, टाइम ओवर, कहां लिखा हुआ है दिखाओ। स्टैंडर्ड बना देने से लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। 15 मिनट से ज्यादा रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा, 3 घंटे से ज्यादा सॉल्विंग टाइम नहीं मिलेगा, जो करना है इसी में करके दिखाओ। इसी तरह से फैक्ट्रीज में आ जाओ, लेबर काम कर रही है, मान लो ये पेन बना रही है, यही पेन कोई लेबर 2 घंटे में बना रही है और यही पेन दो कोई लेबर 2.5 घंटे में बना रही है। मैनेजमेंट बन के सोचो, दिमाग घूमेगा नहीं घूमेगा। अबे एक ही प्रोडक्ट है, कोई 2 घंटे में बना रहा है, कोई 2.5 घंटे में बना रहा है, हमें का फर्क क्या पड़ रहा है? कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है ना यार। जो 2 घंटे में बना रहा है वो 2 घंटे की बिजली लगवा रहा है, और जो 2.5 घंटे में बना रहा है वो 2.5 घंटे की बिजली लगवा रहा है। जो 2 घंटे में बना रहा है वो लेबर के 2 घंटे के पैसे ले रहा है, जो 2.5 घंटे में बना रहा है वो 2.5 घंटे में लेबर के पैसे ले रहा है। एतराज किस पर है? एतराज है ना, मुझे एक बात बता दो, 2 घंटे राइट टाइम है, 2.5 घंटे राइट टाइम है? नहीं नहीं ये नहीं सोचो, अगर इस प्रोडक्ट को 2.5 घंटे में बनना चाहिए, बनना चाहिए, और कोई 2 घंटे में बना रहा है, वो एफिशिएंसी दिखा रहा है, मुझे उसको बोनस देना चाहिए। और अगर कोई 2 घंटे में बना रहा है, बनना चाहिए, और 2.5 घंटे में बना रहा है, तो वो मेरा आधा घंटा जाया कर रहा है, मुझे उसको वार्निंग देनी चाहिए। 2 घंटे वाला काम 2.5 घंटे में हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, 2.5 घंटे वाला काम 2 घंटे में हुआ, कॉस्ट गिर गई। ये जो कॉस्ट कम ज्यादा लग जाती है, इसको हम कहते हैं वेरियंस। क्या कहते हैं? वेरियंस। इसको एनालाइज करना पड़ता है कि ये वेरियंस क्यों आ रहा है। अच्छा चैप्टर है बेटा, इसके भी बड़े सवाल आते रहे हैं, लेकिन इस बार इसका सवाल पहली बार हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नहीं। ये है बेटा वो चैप्टर जो मेरे आपके साथ रखे गए, आप मुझे कंफर्म करें कि आपके साथ कॉस्टिंग की क्लास लगाइए है। ठीक है, इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, एक आध घंटा चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट का, फिर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाएंगे। कल FI2 की क्लास भी है इंशाल्लाह, उसमें हम डायरेक्ट लीज के चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है सर जी, सिलेबस मेरा मेरा सिलेबस सबकी समझ में आ गया है। ठीक है सर, स्टडी टेस्ट में IKF ने बोला है फिलहाल कोई चेंज आने वाला नहीं है, आप अगर IKF का स्टडी टेस्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।